वितरण समारोह में हमारे मध्य देहरादून शहर के मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, प्रमुख सचिव शहरी विकास श्री आर के सुधांशु जी, सचिव पेयजल एवं स्वच्छता श्री अरविंद सिंह हैंकी जी, निदेशक शहरी विकास श्री नितिन भदौरिया जी, हमारे स्वजल के श्री कर्मेंद्र जी एवं सभी अधिकारीगण, और आज जिनके निमित्त ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ऐसे सभी हमारे विभिन्न विभिन्न स्थानों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, सभी हमारे पर्यावरण मित्र, आए हुए सभी भाई एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 पुरस्कार के लिए चयनित हमारे राज्य की उत्कृष्ट 15 पंचायतों को सम्मानित होने पर अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही स्वच्छता के इस महाअभियान में अपना हर प्रकार से उत्कृष्ट योगदान देने वाली समस्त पंचायतों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं अपने स्वच्छता दूतों का भी आभारी हूं, जिनकी संकल्प शक्ति और प्रयासों ने राज्य में स्वच्छता का एक नया अध्याय लिखा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम आज पूरे भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फोकस धीरे धीरे उत्तराखंड की ओर हो रहा है, उसमें अगर सबसे अधिक किसी का महत्व है तो स्वच्छता का है, जिसको आप सबके माध्यम से लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारे स्वच्छता दूत ही स्वच्छता अभियान की धुरी है, जिन्होंने केंद्र बनकर सभी को इस काम में लगाया है, और जो सम्मान राज्य ने प्राप्त किया है वो सच मानिए तो आप सब अगर प्रयास न करते तो वो असंभव था। इसलिए मैं आप सबको एक बार फिर से बधाई देता हूं, फिर से शुभकामनाएं देता हूं। जैसा हमारे प्रमुख सचिव सुधांशु जी ने बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो स्वच्छता के विषय में उनके विचार हैं या जो उनकी सोच है वो हम सबके समक्ष रखी, और भारतीय दर्शन में भी जो हमारी संस्कृति है स्वच्छता हमेशा से उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। ये हमारे मूल्य और संस्कारों का हमेशा से अभिन्न अंग रही है, क्योंकि आप सबको भी याद होगा और मुझे भी याद है कि बचपन में जब मैं छोटा था तो हम लोग ग्रामीण परिवेश में पैदा हुए, ग्रामीण परिवेश में बड़े हुए, देखा कि माताजी कितनी सहजता से सरलता से साफ सफाई के बारे में हमें बचपन में सिखाती थी कि किस प्रकार से स्कूल से आने के बाद कैसे हाथ धोने हैं, पैर धोने हैं, किस प्रकार से शाम को पहले पूजा पाठ करनी है उससे पहले जो है हाथ पांव फिर से धोने हैं, या हम जब भोजन के लिए बैठते हैं तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ पहले से वो हाथ में जल लेकर किस प्रकार से चारों तरफ जल को डाल दिया जाता था कि जिससे धूल या अन्य जो भी जीवाणु वो किसी प्रकार से हमारे आसपास तक ना आए। ये सब हमारे यहाँ बहुत पहले से, यानी कि हमारी संस्कृति के साथ ये सब चलता रहा है। और मैं चूंकि बचपन में एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ तो बचपन से देखा कि अनुशासन जो बचपन में इसका पार्ट था वह भी सेना के साथ या सैनिकों के साथ, उसको देखते देखते वह भी जीवन में कहीं ना कहीं आया। अच्छे से नहाना, खाना खाने से पहले हाथ धोना, अपने स्कूल बैग को, तो आप भी करते होंगे हैंकी जी, तो बहुत अच्छे से करते होंगे,
तरीके से रखना, घर में स्कूल में कूड़ा न फैलाना, स्वयं ही हम सब लोग झाड़ू भी लगाते थे। नितिन जी आपने नहीं लगाया होगा क्योंकि आप थोड़ा और एडवांस में पढ़े होंगे, इन्होंने पढ़ा होगा ऐसा बगल वालों ने, क्योंकि धीरे धीरे समय बदलता गया। पहले हम लोग जो है खुद ही झाड़ू लगाते थे अपने कमरे में, अपने स्कूल में, अपने घर में, और बीच बीच में सफाई अभियान करते रहते थे। ये सब संस्कार, मैं सच बताऊं तो सबसे पहले अगर कहीं से सीखे तो घर से सीखे, अपनी माँ से सीखे, और उसके बाद अगर दूसरे संस्कार कहीं से प्राप्त हुए तो वो संस्कार हमको विद्यालय से प्राप्त हुए, अपने गुरुजनों से प्राप्त हुए। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र सुचिता च स्वच्छताम तत्र तिष्ठया रोग्य वैभन्न च सुखम। यानी कि पवित्रता और शुचिता के होने पर आरोग्य, संपदा और सुख, इन सब की प्राप्ति होती है। शुचिता होगी, स्वच्छता होगी, तो हम लोग दीपावली में क्या करते हैं, माँ लक्ष्मी को बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उनको निमंत्रित करते हैं, हर प्रकार से माँ लक्ष्मी हम पर कृपा करे। उसके लिए सारे पूरे अपने घरों की आसपास के जाले लगे होते हैं, धूल लगी होती है, रंग रोगन करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि स्वच्छता होगी तो माँ लक्ष्मी का वास होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। तो ये तय है कि स्वच्छता को लेकर ये हमारी संस्कृति और सोच, ये आज से नहीं बल्कि आदिकाल से ही निहित है। लेकिन यह भी सत्य है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, उसमें कुछ विकृतियां भी आई। आज मुझे इस बात का गर्व है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे स्वच्छ भारत मिशन की वजह से हमारा देश स्वच्छता के प्रति पुनः जागृत हुआ है। जैसा अरविंद सिंह हैंकी जी ने शुरुआत में कहा कि 2014 के बाद देश के अंदर एक नई जागृति आई, देश के अंदर एक जागरण हुआ है, और स्वच्छता के प्रति लोगों के मन में स्वतः ही स्फूर्त कि हमें स्वच्छता में जीना है, सबको स्वच्छ रखना है, स्वच्छता का संदेश देना है। और स्वच्छता का प्रभाव यह है कि अगर कोई ऑटो में बच्चे जा रहे हो, उनके सामने अगर आप कूड़ा उड़ा फेंक देंगे कभी, या कोई रैपर फेंक देंगे, तो आप जरूर देखेगा कि वो बच्चे खुश नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ टेढ़ा मुंह बनाएंगे, या कुछ ना कुछ इस प्रकार का जरूर आपको इंडिकेशन देंगे कि ये काम आपके द्वारा ठीक नहीं हुआ जा रहा है। ये स्वच्छता का संदेश देने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उनका कल जन्म दिवस था और हम इस पर स्वच्छता पखवाड़ा भी मना रहे हैं, जो उनके जन्म दिवस से लेकर गांधी जी की जयंती तक लगातार चलने वाला है। और इतना ही नहीं, ये पखवाड़े के साथ साथ ये हमेशा लगातार अनवरत रूप से किया जाने वाला कार्य है, जो हम अपने संस्कार में, अपनी दिनचर्या में, और मैं कहूं कि अपने नियमित होने वाले कार्यों में इसको हमको सम्मिलित करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज हम सब लोगों की भी है, जो लोग आज स्वच्छता के उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, और जिनको आज हमने सम्मानित किया है, या जिनको हम लोगों ने आगे के लिए भी जिनके लिए शुभकामनाएं दी हैं, वो सब आने वाले समय में हमारे स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और इनका जैसे यहाँ पर स्वागत हो रहा है, इसी प्रकार से सुधांशु जी, मैं चाहूंगा कि इनके अपने अपने स्थानों पर भी, जहां से ये पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जहां के हमारे पर्यावरण मित्र हैं, उन स्थानों पर भी इनका रिकॉग्निशन होना चाहिए। कहीं ना कहीं इनको स्वच्छता के नाते, जहां हमने यहां पुरस्कार दिया है, यहां इनको सम्मानित किया है, स्थानीय स्तर पर भी इस काम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि अन्य लोग भी इनसे प्रेरणा लेकर इस काम को और तेजी से आगे बढ़ाए। हमारी जो गौरवशाली परंपराएं हैं, उनका स्मरण करते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छता का एक ऐसा महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसकी सफलता की चर्चा आज केवल भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। आप देख रहे होंगे, अब धीरे धीरे सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है। पहले
पहले एक समय यह भी था, आप सब लोग याद करिए कि एक समय ऐसा था कि विश्व के मंचों पर भारत अपने हितों की बात, अपने हक की बात भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता था, या हमारे हक में फैसले नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज भारत बदल गया है। आज भारत एक शक्तिशाली भारत, एक समरस भारत, एक समर्थ भारत के रूप में आज दुनिया, कोई भी दुनिया के अंदर कोई बड़ी बात होती है, कोई ऐसा विषय आता है तो भारत के रूप का इंतजार करती है। ये नया भारत आज, और इसी प्रकार से स्वच्छता के क्षेत्र में भी आज भारत की जो चर्चा है वो पूरे विश्व में हो रही है। जब सरकार के प्रयासों से जन भागीदारी जुड़ती है तो उन प्रयासों की शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए सरकार बहुत सारे कार्यक्रम शुरू करती है और कार्यक्रम आगे बढ़ते भी हैं, समय से पूरे भी हो जाते हैं, लेकिन उनमें समग्रता नहीं आती है, कहीं ना कहीं न्यूनता रह जाती है, कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, क्योंकि उसके पीछे ये होता है कि जन भागीदारी नहीं होती है, लोगों का जुड़ाव नहीं होता है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जितने कार्यक्रम चले हैं वो सब जन भागीदारी के कार्यक्रम चले हैं। अभी हाल में जो संपन्न हुई G20 की समिट है, G20 का सम्मेलन है, जिसकी भारत की अध्यक्षता में पूरे भारतवर्ष के लोगों ने एक-एक कोने पर भारत की सामर्थ्य को देखा है। 200 से भी ज्यादा कार्यक्रम भारत के छोटे-छोटे शहरों में आयोजित किए गए। हमारे यहां भी, उत्तराखंड में भी हमको सौभाग्य मिला आतिथ्य का, और एक दो नहीं बल्कि तीन तीन कार्यक्रमों का हमको भी आतिथ्य का अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, और जो देश दुनिया के डेलीगेट्स आए थे वो उत्तराखंड का भी एक अच्छा अनुभव लेकर गए। कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, हमारी मातृशक्ति के द्वारा किए हुए सशक्तिकरण, हमारे राज्य में होने वाले विशिष्ट तरह के कार्य, उन सभी को नजदीक से दुनिया के लोगों ने देखा, वह भी दुनिया के अंदर जाकर हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन गए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, अभी जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो कई बार मैं आप सबका मुख्य सेवक होने के नाते अनेकों कार्यक्रमों में जाना होता है, तो लोग पूछते हैं हम कौन से स्थान पर जाएं, कौन से स्थान पर हमको जाना चाहिए, जो कहते हैं हम जो गिने हुए चुने हुए स्थान है, नैनीताल है, मसूरी है, देहरादून है, ऋषिकेश है या रामनगर है, इनको तो जानते ही जानते हैं लोग। पूछते हैं इसके अलावा कहाँ जाना चाहिए, या फिल्म शूटिंग वाले कभी उनके कार्यक्रम में जाओ तो कहते हैं कि शूटिंग के लिए सबसे अच्छे स्थान कौन से होंगे। तो मैं शूटिंग वालों से भी और दर्शन करने वालों से भी मैं कहता हूं, आप जिधर को आपकी नजर चली जाए वही दर्शन करने योग्य स्थान उत्तराखंड में है। आप जिधर भी शूटिंग के लिए चले जाए वही आपको शूटिंग के लिए एक नया स्थान दिखाई देगा। यह उत्तराखंड की हमारी विशेषता है, देवभूमि की विशेषता है, और भगवान की कृपा है। हमारा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां जो दर्शनीय ना हो, कोई पौराणिक ना हो या कोई धार्मिक स्थल ना हो। इस भूमि के कण कण में देवताओं का वास है, और देवता वही वास करते हैं जहां स्वच्छता होती है। तो इसलिए स्वच्छता को हम सब लोगों ने किस स्तर पर जाकर और जीवन में कितनी प्राथमिकताओं से आगे इसको अपनाना है, ये इसके महत्व को हमारे धार्मिक ग्रंथ भी बताते हैं, हमारी संस्कृति भी बताती है हर प्रकार से। आज हमारा जो राज्य है वे वैश्विक पर्यटन के नक्शे पर एक अलग सा स्थान, एक नया स्थान हमने अर्जित किया है। आज पूरी दुनिया की आस्था और श्रद्धा पर्यटन के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में उत्तराखंड के प्रति बड़ी है। आप सभी जानते हैं कि स्वच्छता और पर्यटन का आपस में बहुत गहरा संबंध है। जहां स्वच्छता होती है वहां तय मानिए कि पर्यटन भी निश्चित रूप से उसमें वृद्धि होगी। अगर प्रदेश में जो हमारी पर्यटन की गतिविधियां हैं उसको नई गति मिल रही है, जिस प्रकार से अगर हम पिछले 2-3 सालों का आकलन करें तो
तो 2021 में जितनी संख्या आई थी उससे कहीं अधिक संख्या 2022 में हो गई। किसी भी कोने में उत्तराखंड के आप देख लें, चार धाम यात्रा हो, कांवड़ यात्रा हो, या आने वाले सामान्य रूप से वार्षिक रूप से जो पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं उनकी अगर हम संख्या देखें तो हर साल बढ़ जा रही है। 21 में जितनी थी उससे ज्यादा 22 में हो गई, 22 में जितनी थी उससे ज्यादा 23 में हो गई, और 24 में इससे भी ज्यादा होगी। और इन गतिविधियों को एक नई गति मिल रही है, इसका विशेष कारण अगर कोई है तो हमारा स्वच्छ परिवेश है। अभी पिछले दिनों आसाम के बच्चे यहाँ आए थे, इसी मुख्य सेवक सदन में उनका एक अभिनंदन का कार्यक्रम हमने किया था, तो इतने खुश हुए थे। आप भी थे ना, आपके घर भी आए थे, आप भी थे कार्यक्रम, मुझे याद है। तो वो बच्चे कह रहे थे कि हमको तो अरे आपका उत्तराखंड बहुत अच्छा लगा, आपका देहरादून बहुत अच्छा लगा, कि हम वहां से एयरपोर्ट से यहां तक आ गए और यहां तक हमको कहीं भी कूड़ा दिखाई नहीं दिया। आप सोचिए कि कितना मन को संतोष होता है जब इस प्रकार का भाव प्रदेश के अन्य स्थानों से आए हुए हमारे नवोदित विद्यार्थी वो इस प्रकार का यहां पर वर्णन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमको और ज्यादा ये हमारे लिए और एक चुनौती है कि जहां हमको इस रूप में लोगों ने देखना शुरू कर दिया, भारत के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने, अन्य राज्यों के लोगों ने, तो हमारे सामने चुनौती है कि हम इसको और जो है अनवरत रूप से आगे बढ़ाएं। इस बार भी राज्य सरकार द्वारा जो हमारा ये पखवाड़ा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का ये आयोजन किया जा रहा है। भाइयों बहनों, कचरा मुक्त भारत के भाव को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किए जाने हेतु हमारी सरकार निरंतर रूप से राज्य के लोगों के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ा रही है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि देवभूमि के समग्र स्वच्छता के इस महाअभियान में जो हमारे समस्त पंचायत प्रतिनिधि हैं, समुदाय स्त्री संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है, समस्त नागरिक हैं, हमारे पर्यावरण मित्र हैं, अन्य जो सरकारी गैर सरकारी सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, उन सभी का अपना महत्वपूर्ण योगदान इस कार्यक्रम में होगा, तथा विगत वर्षों की भांति जैसे हर साल इस अभियान को हम लोग सफल बनाते हैं, इस वर्ष भी इस अभियान को सफल बनाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे यह भी विश्वास है कि आप सभी के प्रयासों से जो सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा विकल्प रही संकल्प है, उसकी सिद्धि में, उसके संकल्प को पूरा करने में आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद जैसे पहले मिलता था वह लगातार मिलता रहेगा। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को जिनको आज हमने यहाँ से सम्मान किया है उन सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये सम्मान केवल सम्मान तो है ही है, इसके साथ साथ आप सबका उत्साहवर्धन भी है और आपके लिए भी एक चुनौती भी है आगे के लिए कि इसको बरकरार रखना है और जितनी ऊर्जा के साथ अभी तक काम करते थे इसकी जस्ट दुगनी ऊर्जा से और स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाना है और पूरे प्रदेश को एक मॉडल के रूप में कि हम पूरे प्रदेश को, आजकल मैं हर जगह एक बात कहता हूँ कि हमारा राज्य एक ऐसा राज्य है कि जो जल्दी से मॉडल बन सकता है, यानी कि हर क्षेत्र का मॉडल, तो हम देश के अंदर स्वच्छता का मॉडल बनाए, उसमें आप सबकी प्रभावी भूमिका हो, ये शुभकामनाएं करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम के अंत में मैं निदेशक स्वजल से अनुरोध है कि धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करें।